नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन मेरे इस प्रोग्राम खेल ग्रहों का। मैं बात कर रहा हूं सिंह राशि पर, राशिफल 2019 के संबंध में, हेल्थ इश्यूज के बारे में। 2019 की स्टार्टिंग में ही बृहस्पति जुपिटर राशि से फोर्थ हैं, राशि से फिफ्थ शनि है, राशि से ट्वेल्थ राहु है। तो जो ही राशि से ट्वेल्थ राहु है तो वो मेंटल हैरेसमेंट देने का काम जरूर करेगा, और जब मेंटल हैरेसमेंट होगा तो उस पर्सन के ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी, और ऑलरेडी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो कन्वर्ट हो सकती है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में। 2019 वैसे हेल्थ प्रॉब्लम बहुत छोटी मोटी ही देता रहेगा, कोई सीरियस प्रॉब्लम की मैं आपको गंभीरता नहीं बोल रहा हूँ, या सीरियस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको आभास नहीं करा रहा हूँ। हेल्थ इश्यू बहुत सामान्य से रहेंगे, लेकिन जिन व्यक्तियों को ऑलरेडी एक एज ग्रुप है, जो वृद्ध स्थिति में हैं, जो एक सीनियर सिटीजन की स्थिति में आते हैं, उन लोगों को जो सिंह राशि के जातक हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वो उनको ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब लीवर से रिलेटेड और आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आँख से रिलेटेड एक एज फैक्टर में भी काम करता है, जब एक सीनियर सिटीजन वाली एज आ जाती है तो आँख में मोतियाबिंद, या जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, वो सिचुएशन, वो स्थिति, वो डिजीज़ आपको लग सकती है, या उसका आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। 2019 में कोई न कोई छोटा मोटा ऑपरेशन आपको करवाना ही पड़ेगा, इस बात का आभास मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी से ही दे देना चाहता हूँ। बृहस्पति राशि से फोर्थ है, वो कुंडली में एट्थ हाउस को देखते हैं। एट्थ हाउस एब्नॉर्मल पार्ट का है, एट्थ हाउस आपको यूरिन इन्फेक्शन दे सकता है, एट्थ हाउस लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम देने का भी काम करता है, लेकिन स्पेशली एब्नॉर्मल पार्ट, या जिस चीज़ को बोलते हैं गुप्तांग से संबंधित प्रॉब्लम आपको दे सकता है, उससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी, बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। और यदि मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो आप अपने आप को हेल्थी बनाने के लिए एक्सरसाइज के संबंध में सोच सकते हैं, एक हेल्थी ईटिंग उस सिचुएशन के बारे में आप सोच सकते हैं, एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, एक बहुत अच्छा डाइट चार्ट बना करके अपने बारे में भी और अपने बच्चों के बारे में भी, वो भी ज़्यादा केयरफुल आप उस स्थिति में चल सकते हैं। हेल्थ इशू में इस वर्ष जो भी आपके घर के बड़े बूढ़े हैं, उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स या उनसे संबंधित परेशानियां आपको ज़्यादा आएंगी, क्योंकि फोर्थ हाउस का बृहस्पति कुंडली में टेंथ हाउस को देखता है, और आपकी कुंडली में बृहस्पति एट्थ हाउस का लॉर्ड होकर के फोर्थ हाउस में है, अर्थात जो सुख है, सुख भाव पीड़ित है, अर्थ सामान्य शब्दों में आप घर में ही दुखी रहेंगे, घर में ही परेशान रहेंगे, घर में बेचैन रहेंगे। शनि की जहाँ तक स्थिति है, राशि से फिफ्थ हाउस में शनि है, शनि एजुकेशन में आपकी हेल्प करेगा, लेकिन संतान से संबंधित कोई न कोई चोट दुर्घटनाओं से वो घायल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, उनको आपको केयरफुली समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाने के बारे में सोचना होगा। इसमें लापरवाही कोई न कोई शरीर पर निशानी छोड़ने का काम करेगी, क्योंकि शनि इस बारे में मशहूर है, जब भी वो समस्या देता है कोई न कोई निशानी अपने शरीर पर छोड़ करके जरूर जाता है। शनि जितना धन से संपन्न बनाता है, शनि जितना भौतिक समृद्धि से संपन्न बनाता है, जितना घर के अंदर स्थायी संपत्ति देता है, लेकिन उसी से ज़्यादा जब वो हेल्थ प्रॉब्लम देता है तो बहुत लंबी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि शनि दीर्घजीवी है, अर्थात बहुत समय तक रहता है, एक स्थान पर 2.5 साल रहता है, और उसके सामने चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ 54 घंटे ही रहता है, इतना डिफरेंस है चंद्रमा और शनि की स्पीड में। अब जो आपको ध्यान रखना है इस 2019 में, 18 जनवरी 2019 से 22 फरवरी 2019 तक का टाइम आपकी हेल्थ के लिए डेंजर है, आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इस टाइम पीरियड को आपने सावधानी से पार कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, राहत की सांस ले सकते हैं। आज बस इतना ही, अगली राशि के बारे में बात करेंगे, कन्या राशि की। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। यह प्रोग्राम कैसा लगा आप इस बारे में हमको बताना मत भूलिए। नमस्कार।